अगली खबर नोएडा से है। राकेश टिकैत पर कथित हमले के बाद हंगामा हो गया है। आज शाम तक राकेश टिकैत को जेड सिक्योरिटी की मांग की गई है। कथित हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। नोएडा पुलिस अलर्ट पर है, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह जाम लगाने की चेतावनी दी है और मांगे न पूरी होने पर नोएडा चिल्ला जीएनजी बॉर्डर को चक्का जाम करने की बात कही गई है। तो राजस्थान में जो कथित हमले की बात राकेश टिकैत पर हुई, उसके बाद यहां प्रदर्शन हुए थे, उनके समर्थकों ने गाजीपुर चिल्ला बॉर्डर पर जाम लगा दिया था और आज शाम तक राकेश टिकैत को जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग जो है वो की जा रही है। कथित हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। उनके समर्थक किसानों की तरफ से नोएडा पुलिस अलर्ट पर है, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो राकेश टिकैत पर कथित हमले के बाद हंगामा शुरू हो गया है। उनको न सिर्फ जेड सिक्योरिटी देने की मांग उनके समर्थक कर रहे हैं, बल्कि कथित हमलावरों को जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। प्रशासन चौकस है, पुलिस अलर्ट पर है, भारी फोर्स पहले से तैनात की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत के समर्थक कल कथित हमले की बात को और आगे ले जा रहे हैं और उनका यह कहना है कि अब जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए राकेश टिकैत को। और दूसरी अहम बात यह, उन हमलावरों की भी गिरफ्तारी हो, कथित हमलावरों की जिन्होंने हमला किया राकेश टिकैत पर। आज शाम तक राकेश टिकैत को जेड सिक्योरिटी की मांग उनके समर्थक कर रहे हैं। कथित हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है।